मॉर्निंग मैं सारा टीवी N7 न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। पूरी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में सिम्बन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने एक ऐसे तरीके का ईजाद किया है जिसमें नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं, जिसे लिक्विड डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक कहते हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के हालात में किया जा सकता है। इसके इल्मी दायरों में बेसिक एजुकेशन MBBS के साथ दीगर 9 पढ़ाइयां भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। इमरजेंसी मेडिकल प्रिपरेशन टेक्निक डेवलप किया है जो बहुत ही कम वक्त में इसको इंसान के जो फौरन जो मौत हो जाती है और जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो 10 से 20 मिनट में रिकवर करने की सलाहियत में रखती है, वैसी ये डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक है। ये एक ऐसी लिक्विड है जिसको डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक कहा जाता है, जिससे पेशेंट्स को सीरियस और क्रिटिकल कंडीशंस से ट्रीट किया जा सकता है। और डिटेल में अगर हम जाएं, ये एक लॉन्ग टर्म एनिमल बेस्ड स्टडी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स और शॉर्ट क्लिनिकल ट्रायल्स को बाईपास कर सकती है, को जो कि जो है उनके जो साइंटिफिक वर्ड है जो बाईपास करती है, और ये आसानी से साइंटिफिक में प्रूव किया गया है, लैब में टेस्ट किया गया है और मर्ज किया गया है जो अभी मेडिसिन हमारे साथ जो मौजूदा हालात में हैं कम वक्त में, और ताकि इस एक्शन में जो एक बैरिकेड बन के रखा हुआ है जो इस पैंडमिक और एपिडेमिक में भी इस्तेमाल किया जा सकता। ये प्रिस्क्रिप्शन सभी भी दे सकते हैं, MBBS डॉक्टर्स भी एक्यूरेटली तरीके से, एक बहुत इंग्लिश वर्ड सही मुनासिब है एक्यूरेटली। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये। और 5 ऐसे एजुकेशन है जो 5 मेजर थ्योरीज हैं जिसके सब थ्योरीज 11 हैं, और एटॉमिक वेट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स हैं, इसका समझ होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको समझने के लिए भी मेटाडेटा का भी काफ़ी समझना ज़रूरी है। और कई ऐसे अलग तरीके हैं जो मेडिसिन को तैयार करने के लिए, इंडिजीनियस पीरियोडिक टेबल्स को भी समझना ज़रूरी है। ये एक पजल है जो कि ताकत को एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम डिजीज टू एक्शन, डिजिटल ब्रेन कंट्रोल सिस्टम और कई अलग मॉड्यूल्स मोड्स। इस लिक्विड में एम्स भी है और वोल्ट्स भी है, और ये एक ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल किया गया 16-bit बस जो कि हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रोग्रामिंग मोड प्रोबेबली जो हम स्काइप में व्हाट्सएप में याहू में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी ऐसी ये ऐसा डेवलप्ड एंटी ब्लॉकेज सिस्टम है जिसको हम मेडिकल लाइन में हम कहते हैं एंटी थ्रोम्बोसिस, जो कि स्पाइडर के वेन्स ऑफ वर्कोसिस वेन्स में डालते हैं और ताकि उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये एक अलग 10 किस्म के एजुकेशन सिस्टम से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि जो मॉडर्न मेडिसिन डिजीज एंड डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी ऑफ MBBS, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल, TCP/IP जो हम कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं, बायोकेमिक, बायो एनर्जी, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और जो सॉइल है, वाटर प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तमाम चीज़ों की जो जानकारी है इसमें से भी हासिल करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो काफ़ी ज़रूरी है इसको समझने के लिए, और मैग्नेटिज्म, ये एक अलग ही पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसको। अक्यूपंचर जो कि हम देखते हैं, इट इज़ अ वेरी अनदर सक्सेसफुल चीज़ जो हम उतना वाइडली लोगों को पता नहीं है। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट डेवलप्ड
एमरजेंसी डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन इन लिक्विड फॉर्म, ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ है और हिंदुस्तान में इसकी इजाद हुई है। तो मकसद ये है कि इसका अवेयरनेस हो जाए। सिम्बेंस की तरफ से है ये डेवलप्ड एमरजेंसी मेडिकल प्रिपरेशन टेक्निक, जो कि काफ़ी कम वक्त में इसको ट्रीट किया जा सकता है, जहां पर 10 से 20 मिनट पहले कोई भी मेडिसिन को से रिकवर नहीं हो सकते हैं, जो डेथ्स होते हैं। तो ये एक ऐसी लिक्विड फॉर्म मेडिकल है जो 10 से 20 मिनट पहले एक एमरजेंसी सिचुएशन को ट्रीट कर पाती है। हेलो एवरीवन, इट इज़ अ स्पेशल कॉन्फ्रेंस मीट रिगार्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक। सिम्बेंस हैज डेवलप्ड एमरजेंसी मेडिकल प्रिपरेशन टेक्निक टू कॉम्बैट एट द हॉरिफिक जंक्चर ऑफ मास ह्यूमन डेथ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्विक रेस्पॉन्सिव मेडिसिन बिफोर 10 टू 20 मिनट्स इन ऑर्डर टू डील द एमरजेंसी सिचुएशन सो दैट द पेशेंट्स कैन बी सेव फ्रॉम द सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशंस दैट कैन अकर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इंस्टेंटली। This technique can also be called as digital medicine preparation technique. The special feature of this technique is that it reduces the long-term animal-based studies followed by clinical trials to short clinical trials and bypass animal studies and help to bring up scientific, provable, lab testable, easily merchable and manageable medicine in shortest time and act to barricade before a pandemic or epidemic occurs. This technology provides high sophisticated guidelines to all medical system to plan the research based on the MBBS mode of disease identification, hence can be prescribed by MBBS doctors accurately. It's a mandatory guidelines for future generation of researchers. It needs the education of 5 major theories and 11 sub theories. It needs the perfect understanding of atomic weight of elements or periodic table. It needs through understanding of metadata. There are different ways or options available to researchers for preparing the medicine as it is based on indigenous periodic table. It's mandatory and a puzzle to transform the emergency into digital emergency and energy. With respect to disease and its action and the brain digital control system through different modes. The liquid of the medicine also have volts and amps. It's based on 16-bit bus similar to computer digital technology and uses ports-based communication similar for WhatsApp, Yahoo and Skype. Developed anti-blockage, also known as anti-thrombosis emergency treatment. In spider veins or varicose veins. It's complex in nature and involves 10 system of education. Here are the list of education. Modern medicine disease and diagnosis technology of MBBS. Electricity of electrical. TCP or IP of computer. Biochemic, bioenergy, Yunani, Ayurvedic, Homeopathic, Electro-Homeopathic. Knowledge of soil, water, plants, vegetable, fruits, flowers, etc. Periodic table, magnetism, acupuncture. So, at the end, it is a pride that India is the first in the world to develop emergency or digital medicine preparation in liquid form technology. Thank you.